हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नए लेसन में आपका स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस लेसन को करते हैं प्रारंभ। पास्ट परफेक्ट टेंस के महत्वपूर्ण यूज कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, ये बिल्कुल आपको याद होगी। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये इतना झमेला आप पिछले वीडियो में सीख चुके हो और उम्मीद है आपने इसका प्रयोग करते हुए बहुत सारे सेंटेंस भी बनाए होंगे। क्या परीक्षा में डायरेक्टली बिना कोई खास यूज या फिर ट्रिक के इस टेंस के सेंटेंस को हम सॉल्व कर पाएंगे? जब भी आप टेंस को पढ़ते हो या किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कहीं न कहीं उस टॉपिक को सरलीकरण या फिर सिंपल बनाने के लिए हम कोई ऐसी ट्रिक का यूज करते हैं ताकि हमें एग्जाम में इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत हो, आसानी से समझ जाएं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अगर ट्रांसलेशन की बात हो, इंग्लिश का कोई सेंटेंस हो जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आप समझ गए होंगे कि उस सेंटेंस को हम ऐसे वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में शोका था या फिर शोकी थी। इस टेंस का ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही है। आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, रट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, इस यूज को आप याद रखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप इस टेंस के इस यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। मान लीजिए दो, जब भी हम इम्पोर्टेंट यूज पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं उस टेंस के साथ में किसी दूसरे टेंस का कोई न कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है, और उस दो टेंस के जुड़ाव को सिक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो संयोजन, यानी काल संयोजन, या फिर दो टेंस के वाक्यों का जोड़, संयोजन, कनेक्टिविटी टू टेंसेज। तो होता यह है कि मान लीजिए दो अगर सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस के कार्य भी अलग होंगे, उनकी वर्ब अलग होगी। तो आप यहाँ समझिए, मान लीजिए दोनों एक साथ तो शुरू नहीं होंगे, एक साथ अगर शुरू होंगे तो वो तो एक ही टेंस के सेंटेंस होंगे, परंतु यहाँ पर दो भिन्न टेंसों की हम बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसका वर्क विस स्टार्टेड अर्लियर एंड गॉट कंप्लीट, ऐसा काम जो पहले प्रारंभ हुआ और समाप्त भी हो गया। दूसरा विस स्टार्टेड लेटर, और ये काम होगा जो बाद में शुरू होगा। तो जो पहले काम स्टार्ट हुआ उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और जो कार्य बाद में हुआ उस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हम उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहेंगे। समझ गए होंगे, जो काम पहले प्रारंभ हुआ, और आप इतना ही याद रख लीजिए, ऐसा काम जो पहले प्रारंभ हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में हुआ उसे हम
पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में। अब ये दो सेंटेंस किससे जुड़े रहेंगे, तो आप यहाँ याद रखिए बीच में या तो बिफोर आएगा या फिर आफ्टर, बिफोर या फिर आफ्टर आएगा। अब आपको करना क्या है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो एक सेंटेंस में दो खाली जगह नहीं आएगी, एक टेंस भरा रहेगा या फिर एक सेंटेंस की जो वर्ब है वो कंप्लीट होगी, और दूसरे सेंटेंस में जो ब्लैंक होगी, जो रिक्त स्थान रहेगा, वहां पर आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना है। मान लीजिए ये बिफोर है, बिफोर से पहले आप जो काम अर्लियर स्टार्ट हुआ, या यूं कहें कि पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बात करें आफ्टर की, तो इसका उल्टा हो जाएगा, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये हमारे सेंटेंस रहेंगे आज के इस वीडियो का या आज के इस लेसन का महत्वपूर्ण यूज, और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके वाक्य कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी के सेंटेंस पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है। मतलब मान लीजिए एक ऐसा सार्वभौमिक वाक्य है जो हर तरफ चलता है, किसी भी एजुकेटर का वीडियो उठाकर देख लीजिए, लेसन उठाकर देख लीजिए, या किसी भी बेस्ट राइटर की या फिर बेस्ट सेलिंग बुक को उठाकर देख लीजिए, ये सेंटेंस आपको मिलेगा कि मैं डॉक्टर के पहुंचने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब बताइए, एक तो डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मरना, दो काम हैं। अब दोनों में पहले कौन सा काम कंप्लीट हो गया? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब वो मरीज बना कब? डॉक्टर के आने से पहले। मरा कब? डॉक्टर के आने से पहले। और जो सेकंड काम या फिर वर्क विद स्टार्टेड लेटर, वो था डॉक्टर का आना। हिंदी में लिख लेते हैं पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यह सेंटेंस है। अब यह सेंटेंस यहां हम ट्रांसलेट को भी साथ में सीख रहे हैं, मतलब पहले आया हुआ है, इसका मतलब इस सेंटेंस में बिफोर आएगा। क्या आएगा? बिफोर आएगा। मैं यहां पर पहले बिफोर लिख देता हूं, बिफोर। अब आपको यह देखना है कि विस स्टार्टेड अर्लियर एंड गॉट कंप्लीट, जो काम पहले प्रारंभ हुआ, जो मरीज भाई बीमार पड़ा तभी मरीज बना, मतलब मरीज होने का जो कार्य है वो पहले स्टार्ट हुआ और मरने का काम भी पहले ही हुआ, डॉक्टर तो बाद में पहुंचा, तो जो काम पहले हुआ वो हम बिफोर से पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो मरीज है, जिसे हम पेशेंट कहते हैं, ये स्पेशल है, कोई जनरल मरीज, हर मरीज के या फिर हर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरता नहीं है, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, ये काम पहले स्टार्ट हुआ और पहले ही कंप्लीट हो गया। अब बताइए नेक्स्ट, तो वो डॉक्टर है वो भी स्पेशल है, हर डॉक्टर ऐसा थोड़ा ही होता है जो देरी करता है, तो द डॉक्टर कैन, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्टली ट्रांसलेट हो गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन। अब परीक्षा में कैसे आएगी? परीक्षा में या तो यहां पर ब्लैंक होगी और वर्ब में कम दे रखी होगी, इस तरफ देखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेना है। अगर यहां पर कम है, सॉरी कैम है, तो यहां पर ब्लैंक होगी, खाली जगह होगी और
यहाँ पर कोष्टक में डाई लिखा होगा, तो आप क्या करेंगे, इस डाई को हेड डाइट में बना देंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कई बार एक और सेंटेंस बार बार इस कॉम्बिनेशन का आता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन या फिर रेलगाड़ी जा चुकी थी। ये सेंटेंस यहाँ भी पहले आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब कौन सा काम पहले स्टार्ट हुआ, मेरा स्टेशन पहुंचना तो बाद का काम है, ट्रेन का जो भी स्टार्ट होना करना और स्टेशन को छोड़ना ये काम पहले कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द ट्रेन हैड छोड़ना लीव लेफ्ट बिफोर आई रेस्ट द स्टेशन। रेस्ट के बाद में टू कभी नहीं लगाएं, किसी भी गंतव्य या फिर डेस्टिनेशन को जाते हो रीच वर्ब होती है, तो बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो था इस प्रकार बिफोर का यूज। मान लीजिए मेरे आने के बाद राम ने खाना खाया। यह सेंटेंस मेरे आने के बाद राम ने खाना खाया, बीच में क्या आया हुआ है, बाद। अब इस बाद को पहले से ही मैं यहां पर आफ्टर लिख देता हूं। अब बोलिए जो काम पहले स्टार्ट हुआ और पहले ही कंप्लीट हो गया वो आफ्टर के बाद में आएगा, और जो बाद में काम हुआ वो पहले। अब देखिए दो काम, मेरा आना और राम का खाना, राम ने खाना खाया। मेरे आने के बाद तो पहले कौन हुआ, मेरा आना, और राम का खाना तो बाद में हुआ, तो राम एट आफ्टर आई हैड कम, बस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आफ्टर सीधा सी बात है कि अगर आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पहले आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और बिफोर इसका उल्टा। तो बस इस टेंस का सबसे महत्वपूर्ण यूज यही था। बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप इस यूज को समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से आपके इस यूज का समझ तभी आएगा इस प्रकार के सेंटेंस को आप खुद नए नए सेंटेंस बनाइए और उनको ट्रांसलेट कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम टेंस के एक और वीडियो के साथ अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो।